हेलो एवरीवन, आइडिया भारत इसकी लिटरेचर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए 2023 का फिटर वालों के लिए फर्स्ट ईयर का पेपर लेके आए हैं, जो कि 2024 में जिन छात्रों का एग्ज़ाम होने वाला है तो किस तरह के जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल को ज़रूर आप यहाँ पर देख लेना। वीडियो के एंड तक बने रहेगा और इसके मत का अगर दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होता है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोगों से कहते हैं आपके पास जो भी एक थ्योरी की बुक हो उसको ज़रूर पढ़ा करें और प्रैक्टिस के तौर पर यूट्यूब पर हमारे चैनल पर काफ़ी क्लासेस हैं, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो दोस्तों, हम सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह पे सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट हमारा दिया गया है कि शंकुपुली हेड स्टॉक का क्या लाभ है। जो शंकुपुली हेड स्टॉक होता है उसका लाभ पूछा गया है। तो इस तरह से आपको सीबीटी एग्ज़ाम जब ऑनलाइन देने जाएंगे तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। अधिक शोर मिलेगा, स्पिंडल गति बदलने के लिए अधिक समय मिलेगा, स्पिंडल की गति की संख्या अधिक, और ऑप्शन डी आपका जो होगा भारी भार उठा सकते हैं। तो जो शंकुपुली हेड स्टॉक होता है इसका जो एडवांटेज यानी लाभ जो है वो क्या हमारा है, भारी भार उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए 2024 में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए अगला दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं। जैसे आपने कोई गैस वेल्डिंग जलाई उसकी जो लौ के उपयोग किया उसको हम कैसे बुझाएंगे। तो चार ऑप्शन आपको इस तरीके से देखने के मिलेगा। ऑप्शन ए मिलेगा, ऑप्शन बी मिलेगा, ऑप्शन सी मिलेगा और ऑप्शन डी मिलेगा। तो कैसे, एसिटिलीन बॉलों को पहले, ऑक्सीजन बॉलों को क्या करेंगे बाद में बंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। हमेशा आपसे कहता हूँ जब भी आप सीबीटी एग्ज़ाम में देने जाएं तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उनका ऑप्शन को अच्छे से देखें, उसके बाद ही राइट आंसर को क्लिक करें, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है। तो कौन सा होगा, देखिए रख रखाव लागत कम कर देता है, क्या कर देता है, रख रखाव लागत कम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन ए बी दिया गया ये भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा और डी भी हमारा नहीं होने वाला, ठीक है। क्या होगा, रख रखाव लागत कम कर देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। तो कौन करेगा, ग्रेन आकार तो नहीं करेगा ना, और इसके बाद आया ग्रेड, तो क्या है ग्रेड इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या करता है ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। कौन करता है, ग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। तो नहीं देता है, टेंसिटी भी नहीं होगा, टफनेस भी नहीं होगा, हार्डनेस भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा हमारा, भंगुरता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिए। डायग्राम संबंधी जितने भी क्वेश्चन आपके जो निमी पैटर्न में दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर याद कर लें, ठीक है। जितना हो निमी पैटर्न के क्वेश्चन को अच्छे से याद करें और एग्ज़ाम से पहले पहले आप क्या करें, बुक को भी थोड़ा पढ़ते चलें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिएगा खारत कैरिज में एक्स से जो इंगित जो भाग है उसका नाम बताना। जो खारत आपके सामने दिया गया है, जो एक्स से इंगित जो भाग है इसका नाम बताना होगा। अगर आपने क्या करा मशीन देखा है और इनके पार्ट्स के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से इसका राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो एक्स से इंगित जो भाग है इसको बोलते हैं टॉप स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे, ठीक है, टॉप स्लाइडर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है। एक जो ट्राई स्क्वायर आपने देखा होगा, आपके कॉलेज में भी देखा होगा, जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी परिशुद्धता एक्यूरेंसी कितनी होती है उसके बारे में पूछा गया। तो इस तरह के आपको चार ऑप्शन सीबीटी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कितनी होती है, 0.002 mm पर से लेकर 10 mm लेंथ तक होती है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया लोहे में कौन सा सबसे शुद्ध है, जो लोहा है सबसे शुद्ध लोहा कौन सा, इसके बारे में आपसे पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिटवा लोहा, पिग आयरन होगा, ग्रे कच्चा लोहा होगा या कच्चा लोहा होगा। तो अगर आपको याद है ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा, यानी पिटवा जो लोहा होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है, कौन सा होता है, पिटवा लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से डायग्राम संबंध दिया गया, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया लीवर सीयर के इस भाग का नाम बताइए जो एक्स से इंगित है। तो देख सकते हैं आपको एक्स से जो इंगित भाग है, बेस प्लेट नहीं होगा, लीवर आर्म नहीं होगा, ऊपरी ब्लेड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा, निचला ब्लेड होगा। क्या होगा, निचला ब्लेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना, आपकी 2024 में एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है धातु के दो पुर्जों को तीसरे से जोड़ने का क्या कहलाता है जिसका गलनांक कम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वार्गिंग, और ऑप्शन बी हमारा दिया गया सोल्डरिंग, वेल्डिंग और फास्ट रिंग। तो इसका जो क्या करेंगे, धातु के दो पुर्जों को तीसरे पुर्जे से जोड़ने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, जिसका गलनांक कम होता है, वो हमारा होता है सोल्डरिंग। क्या होता है, सोल्डरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद करना, सोल्डरिंग इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है, किस स्टेक का उपयोग करते हैं, हाफ मून स्टेक का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, हाफ मून स्टेक का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद करते चलिए, जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से ज़रूर दो चार क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया है वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, मुख्य पैमाना, डिस्क, ब्लेड या डायल। तो जो भी शादी इसका राइट आंसर करके आएंगे, जो भी स्टूडेंट, वो हमारा क्या होगा, डायल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डायल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेना जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। और वीडियो अच्छे लगे वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जैसे क्या था अन्य छात्रों को काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, फाइल के एक्स के रूप में इंगित जो भाग है इसको आपको नाम बताना है, ये एक्स जो इंगित जो भाग है। तो सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए इस फाइल से संबंधित इनके जितने भी भाग उनका नाम, फाइल की लंबाई तो यहाँ पर नहीं दिया गया, टैग भी नहीं है, ये हमारा जो एक्स इंगित वो इसको हम बोलते हैं हील, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आग लगने के तीन कारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है 2024 में, आग जो होती है आग लगने के तीन कारक कौन से हैं, ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी नहीं है, ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा, ये भी नहीं है, ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, ये भी नहीं है। क्या कारण है आग लगने के, तो आग लगने के कारण है एक तो ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आग लगने के ये मुख्य कारण होगा। ठीक है, अगर इनमें से एक भी कारक नहीं है तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में पूछा गया है किस बेयरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है, सादे बेयरिंग, नीडल बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग और थ्रिस्ट बेयरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, थ्रिस्ट बेयरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या है, जो जिंक कोटेड आयरन होता है आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। और निमी क्वेश्चन जितने भी हैं उनको अच्छे से याद कर लें, जो अपडेटेड क्वेश्चन है उनको याद कर लें, कुछ क्वेश्चन क्या है आंसर ऊपर नीचे हो रहे हैं निमी वाली। ठीक है, तो इसमें काला सोना नहीं होगा, टिन जो होता है टिनड आयरन भी नहीं होगा, स्टेनलेस स्टील भी नहीं होगा, और जस्ता चढ़ा हुआ लोहा क्या होता है, जिंक कोटेड आयरन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों आपकी एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट, जो कि 2023 में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और 2024 में भी काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।